बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्पाइसेस ऑफ फूड। आज हम बना रहे हैं मूंग दाल दही बड़े। दही बड़े कहिए, दही भल्ले कह लीजिए। तो दही बड़े बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाए जाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं। दाल ली है हमने एक कप। दो घंटे पहले हमने दाल को पानी में भिगो दिया था। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। दाल को ग्राइंडर में पीस लेंगे और पीसने के बाद दिखाते हैं कि हम इसमें कौन कौन से मसाले ऐड कर रहे हैं। दाल पीस ली है हमने यहाँ। अब हम इसमें कुछ अपने मसाले ऐड करेंगे। एक टीस्पून हम डाल रहे हैं लाल मिर्चों का पाउडर, एक टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा और एक हाफ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसकी फुलकियाँ बना लेंगे। ऑयल प्री हीट होने के लिए रख दिया था हमने। अब हम इसमें फुलकियाँ डालेंगे। जो साइज़ आपको अच्छा लगता हो उस साइज़ की फुलकियाँ बना लें। हम फुलकियाँ एक्चुअली बना रहे हैं, दही बड़े बना रहे हैं, जब तो छोटे छोटे साइज़ की बनाएंगे। ओवर क्राउड नहीं करेंगे, पैन में जगह है तो डालते जाएंगे, अदरवाइज़ स्टॉप करेंगे, दूसरे बैच में बनाएंगे बाद में। फिर ये देखें, हमारे पैन में अभी भी दो फुलकियों की जगह है। ये हमने अब यहाँ स्टॉप किया है। अब हम इसको सेकते हैं, फुलकियों को अच्छी तरह से कलर चेंज हो जाए, फिर इसको पलटते हैं, दूसरी साइड से पकाएंगे, फिर फ्राई करने के बाद पानी में डालेंगे और फिर दिखाते हैं आपको। ये देखें, एक साइड से हमारी फुलकियों का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसकी साइड तब्दील करेंगे और सेकते जाएंगे, साइड तब्दील करते जाएंगे, सेकते जाएंगे। जैसे ये तैयार होती हैं पानी में डालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें फुलकियों का कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। अब हम इसे पानी में डालते जाएंगे। दूसरा बैच लगाएंगे। ये देखें, डालते जाएं। लास्ट बैच में हमारी थोड़ी सी फुलकियाँ ये रह गई हैं, बस फिनिश। मज़ेदार सी झटपट बन जाने वाली रेसिपी, रमज़ान स्पेशल, मज़े करें खूब। ये साइड तब्दील कर दिए हमने और ये फुलकियाँ हमारी सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इन्हें इस तरह हाथ से हल्के हल्के दबाकर प्लेट में निकालते जाएंगे और रखते जाएंगे। देखिए ये भी हो गई है हमारी। अब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद पानी में डालेंगे। ये लास्ट वाला बैच है। फ्लेम ऑफ करते हैं और इसका दही तैयार करने के लिए हम चटनी बनाएंगे। वो चटनी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो दिखाते हैं आपको। यहाँ हम ले रहे हैं चटनी के लिए 3 टेबलस्पून धनिया, 3 टेबलस्पून पुदीना, 7 से 8 हरी मिर्चें, 6 से 7 जवे लहसुन के, 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून नमक। चटनी को ग्राइंड करते हैं और फिर आपसे मुलाकात करते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल के हमने चटनी को ग्राइंड कर लिया था। अब हम यहाँ लेंगे एक बोल। बोल में हम ले रहे हैं 2 कप दही। 2 कप दही में हम तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून चटनी ऐड करेंगे। अब विस्क से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हाफ कप पानी ऐड करेंगे। दही बड़े की दही तैयार है। अब हम इसे फाइनल लुक देते हैं और सर्व करके दिखाते हैं आपको। फुलकियां ट्रे में सजा लेंगे।
इस तरह फुलकियाँ रख लेंगे। फुलकियाँ हमने सेट कर ली हैं इसमें, अब हम इस पर दही डालेंगे। रमज़ान स्पेशल इफ्तार की बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार दस्तरखान की जान शान बढ़ा देने वाले दही बड़े ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरे तरीके से बनाइए, जिस तरह से मैं बना रही हूँ आप भी इसी तरीके से बनाइए और बहुत इन्जॉय कीजिए। अब हम इसमें थोड़ा सा यहाँ पर पेपरिका पाउडर डालेंगे खूबसूरती के लिए। ये सिर्फ कलर और खूबसूरती के लिए होता है, इसमें कोई टेस्ट या तीखापन नहीं होता है। इसके साथ अब हम इसमें भगार डालेंगे, कुछ करी लीव है हमारे पास और हाफ टी स्पून ज़ीरा है, ज़ीरा डालेंगे। दो से तीन टेबल स्पून हमने यहाँ पर ऑयल ले लिया है, बस हल्का सा भगार लगाएंगे सिर्फ इसको खूबसूरती और अच्छा सा टच देने के लिए। ये इस पे हम भगार डाल देंगे बेहतरीन सा। ये थोड़े से हमारे पास बारीक सेव हैं, वो डालेंगे। चंद मसालों से बनने वाले मज़ेदार मूंग दाल दही बड़े तैयार हैं। मज़े कीजिए, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, इफ्तार पे बनाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइमली मिल सकें। नई आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।